ऑलरेडी यहाँ पे एक बैंड लगा हुआ है हमारे तो दो ही पीस है। लोकेशन पहुंच चुके हैं, अभी ना एंट्री नहीं हो रही हमारी, बस कोई आ रहा है अंदर से। भाई देखो बाहर का मॉल देख लो, ये रहा भाई द बिगेस्ट लाइव्स ऑफ हरियाणा, सारे सिंगर आए हुए अपने भाई सब। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टेज पे, देखो अब दिखाता हूं हम लोगों को शो का नजारा। लो अभी तो खाली है भाई साहब, देखो दिन अभी तो कोई मोल भी नहीं, अभी तो हमारा बैंड में लगा और टाइम तो यार ये बस तो मेरी बंदा बेस्ती दे करवा दी। देखो पहले एक बैंड लगा हुआ है, ये सेटअप सारा लग चुका है, ये चेक करो भाई साहब कैसे फील हो रहा है, एक नंबर बेकार। क्यों यार, देखो स्टेज देखो भाई साहब, ये अपना कीबोर्ड लग चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे एक बैंड लगा हुआ है हमारे तो दो ही पीस, एक कीबोर्ड है एक सैंपलर है बस। और अगर पब्लिक देख सकते हो, पब्लिक तो कुछ खास नहीं है, बाकी हो जाएगी यार अभी तक तो, अभी टाइम कितना हुआ है। अरे इधर देखो ये जो मशीन है ना, ये सबसे बेकार है, ये धुआं निकाल रहा है, मैं यहाँ पे बैठा था बस बच गया, इस भाई ने बचा लिया है, इसने पहले ही बोल दिया कि उठ जाए यहाँ से, ये खराब है देख, अभी भी धुआं निकाल रही है। प्यार करते हैं यार, तू कम पी यार, थोड़ा सा मौक मत कर यार, देखिए कितने अच्छा ये, थैंक यू। ये चला गाइस, अभी देख गाइस कुछ देर पहले नहीं गंदा लग रहा था, बट अब एक नंबर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कूलर तो है नहीं, कुछ गर्मी लग रही है तगड़े वाली, तो इस पे स्वाद आ रहा है, नहीं मजा एक नंबर क्या हो चल रही है। ये देखो हवा, ये चेक करो भाई साहब, टाइम कितना टाइम बताने पर सब अच्छे होने वाले हैं, 6:10 शो स्टार्ट हो गया। दूसरा बैंड आया, सो गाइस अब ना बिंटू बाबर आ चुके हैं, अभी निकला बैंड आया देख लो, पता नहीं क्या गए हार्ट भी लेके आ गए, फेसबुक हार्ट लेके आ गए हैं। आने वाले अपने खासा वाला 4 बजे टिकट है। अरे भैया छोरी आपके घर आ जाएगा नू कवे ना चल रहा काम बचा लो नौकरी लग जा। तो गाइस अपना ना पैकअप हो चुका है डन ले, तो गाइस फाइनली अपना पैकअप हो चुका है, आराम से सामान ले गाड़ी में आ चुके हैं, गाड़ी में रख दिया हमने सामान, वैसे सामान हमारा बहुत अच्छा गया, वैसे थोड़ी मोटी लड़ाई भी हुई थी वही चलती है, इतनी पब्लिक में पब्लिक बहुत ज्यादा थी भाई साहब, मतलब ठंड ठंड हो गए थे बस, तगड़ा सिस्टम हो गया था अंदर, तो वीडियो तो बना नहीं पाया मैं अपने गाते वक्त की, वीडियो नहीं बना पाया भाई साहब, तगड़ा सिस्टम हो गया स्टेज पे, इतना भीड़ थी बुरा हो गया था। सो गाइस चलते हैं गाड़ी में सीधा, भूख बहुत ज़्यादा लगी है तगड़े वाली, तो 22 लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देखो ये भी का
ब्रदर, ये पता नहीं कौन है, इसका भी नहीं पता कौन है। चलो गाइस अब चलते हैं। क्या हुआ, मजा आया? एक नंबर का भाई, बढ़िया। कैसा लगा आज आपको सिंगिंग करके? बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया है। भाई गाड़ी मोड़ रहा है, मोड़ लो भाई जल्दी। कितना टाइम टेबल है यार, टाइम बता, टाइम बता, टाइम अभी 10:25। सो गाइस टाइम हो चुका था 10:25, 10:15 हमारा शो खत्म हो गया था। बाय बाय भाई, गाड़ी चेक करो भाई गाड़ी। सो गाइस अभी रुके हम सीधा खाना खाने के लिए। बहुत तगड़े वाली भूख लगी है, दिन मैंने ब्रेड और समोसा खाया था बस, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। बहुत तगड़े वाली भूख लगी है, गला भी बैठ गया। चलो अंदर जाके खाना खा लेते हैं। तो गाइस ये हमारा होटल है कुछ ऐसा। 10:00 सवाल मिनट हो चुकी है भाई, खाना ला दे यार, तगड़े वाले भूख लग रही है। सो गाइस 20 मिनट से ना प्लेट दे के गए हुए हैं, अभी तक खाना नहीं आ गया। इतने तगड़े वाले भूख लग रही है ना, बस कुछ वक्त भूख तो यार पागल हो गया भूख में, बस पेट आना कदम भूखा मर गया यार। देखो बस मैं ना कितने घंटे खाएगा, नहीं क्या 3-4 घंटे खाएगा। जी खाई जा, ले आओ यार खाना, ले आओ यार खाना। सो गाइस अपना ना खाना आ चुका है, लो जी भैया खाना लो। एक अपनी रोटी, एक सालू जी की, एक जी जी। गाइस खाना अपना एकदम फिनिश हो चुका है, अभी जाके मज़ा आया भाई साहब। अरे इनकी सर्विस है इतनी बेकार है, इतनी बेकार सर्विस है। 20 मिनट बाद ला कर दिया यार, फिर रोटी खत्म हो गई ना, रोटी भी ला के दी, बेकार सर्विस है। कौन सा डब्बा है जो आइयो ना इधर, हम तो बैठ गए थे उन्हें भूख लग गई तगड़ी, इस वजह से हमने तो यार रुकना पड़ा। मैं तुम रुके कौन थी, तुम्हें भूख ना लग गई और ए जे डब्बे पर तुम रुकते बढ़िया से भूख, मजबूरी थी भूख लग गई। सगाई जमने ले लिया पानी बोतल, अभी सीधा निकलते हैं। हमारा 3-4 घंटे का सफ़र है, बढ़िया मैं तो सोऊंगा। ठीक है चुका है, बेल्ट में बैग बेल्ट हालो भाई, पीछे तो अपना गांव आ चुका है। सो गाइस फाइनली अभी भैया गए गाड़ी लेके, मैं उतर चुका हूँ। ओ भाई साहब कुत्ते कुत्ते पीछे लग लिए, मेरे पीछे लग लगा उस कुत्ते, बेटे हैं मैम ढाई बज चुके हैं। चलो घर जाके दिखाऊंगा टाइम तो कितना हुआ है बताओ। वो लोग भी बनाते हैं, फिर लाइक भी नहीं आते, फिर व्यू भी नहीं आते, लोग देखते भी नहीं, बेची मेहनत करते हैं, ये बड़ा दुख है जिंदगी का दुख। भाई साहब रिंग बजाने वाला था पर चुक लिया, रिंग कैंसिल। अब यहाँ से सगाई से मम्मी उठ गई थी, मम्मी ने गेट खोल दिया। सगाई से फाइनली मैं घर पे पहुँच गया था, और अभी के टाइम ना पूरे 3 बज चुके गाइस। तो अभी सो जाता हूँ क्योंकि मेरी कड़ में ना, मतलब कड़ में पीठ में बहुत तगड़े वाले दौरे, क्योंकि 4 घंटे हम लगातार खड़े रहे सीधे से, तो बहुत ज़्यादा कड़ में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीना हो रहा है। मैं व्लॉग भी एडिट नहीं करूँगा, सुबह एडिट करूँगा। ठीक है, सो इस व्लॉग करते हैं पे एंड, व्लॉग अच्छे लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय करो।